Good morning, students. Now see the question number 4, exercise 8.2. Okay? The question is the cost of an article was rupees 15,500. एक आर्टिकल है उसकी जो चीज वो कितने का है 15,500 रुपीज का और रुपीज 450 वो स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर. ओके, अब इतने का तो ले लिया 15,500, अब उसकी रिपेयरिंग करवाई गई. जब रिपेयरिंग करवाई गई तो 450 रुपीज उसके ऊपर लगे, रिपेयरिंग के उन्होंने पैसे दिए. तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना होगा. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, टोटल दैट इज सीपी. सीपी इज अ कॉस्ट प्राइस, मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पूरा बताया था. अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है, दैट इज 15,500 रुपीज प्लस इसमें जो रिपेयरिंग के भी पैसे लगे तो वो कितने पैसे लगे, दैट इज 450 रुपीज लगे. आप ये देखिए 15,500 में 450 हम ऐड करेंगे तो ये कितना हुआ आपका, दैट इज 15,950 रुपीज. तो ये कितना हो गया 15,950 रुपीज. तो ये क्या हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया. ओके, उसके बाद हम उन्होंने ये बोला है कि इन द रिपेयर इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%. आपको इसमें प्रॉफिट परसेंटेज दी हुई है, देखो यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ 15%. तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज, ओके, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो वो आपको कितना दिया है, 15 दिया है. ओके, मैंने परसेंटेज यहाँ लिखी 15% दिया है. अब इसके बाद फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आपको एसपी निकालना है. तो एसपी निकालने के लिए जो प्रॉफिट के, जब प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था आपका, दैट इज एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते थे तो आपका क्या आता था, प्रॉफिट आता था. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अगर मेरे पास प्रॉफिट पर चल रहा है तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल सकती हूँ. तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 15. आपको ये 15% उन्होंने दिया है, दैट इज 15%. ओके, इट्स इक्वल्स टू ये कितना हुआ, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, 15,950. तो 15,950 और इनटू ये कितना हो गया, 100 हो गया. ओके, तो यहाँ पे 15% है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 15 upon 100. इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्रॉफिट परसेंटेज जो है आपको कितना दिया है, 15. सॉरी, यहाँ पे आप 15 ही रहने दीजिए, यहाँ पे आपका कितना रहेगा, 15 ही रहेगा. ओके, तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रॉफिट परसेंटेज है, दैट इज 15, ठीक है, तो इसलिए हम परसेंटेज का साइन नहीं लगा सकते क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज 15 है यहाँ पे. अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 into 15,950 is equals to profit into 100. यहाँ पे कितना होगा, प्रॉफिट इंटू 100 हो जाएगा. ओके, तो मुझे तो सबसे पहले अगर मेरा प्रॉफिट आ जाए तो सेलिंग प्राइस इजीली निकाल सकती हूँ. ये कितना हुआ, 15 into 15,950 और ये जो 100 है ये अपॉन में चला जाएगा. ओके, तो अब इसको सिर्फ फिर क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए. अब यहाँ पे क्या आएगा, मुझे अगर मैं कैंसिल करूँ तो मेरा बहुत लंबा जाएगा. मैं क्या करूंगी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके मैं डेसिमल का साइन लगा दूंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है. तो अब ये देखिए 15,095. ओके, 1,595 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. अब देखिए 5, 7, then 4, then 2, 7. ओके, अब यहाँ कितना आया, 5, then 9, and then 5, and then 1, 12, that is 9 plus 9, 18, 18 plus 1, 9, 13, और then 2, तो ये कितना आया आपका, 23,925. ओके, बट डेसिमल में तो क्या था, 10 था. तो मैंने इजी कैलकुलेशन करने के लिए वही मैं कैंसिल करती, फिर डिवाइड करती, आंसर तो मेरा सेम ही आना था, बट मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेसिमल अब लगा रही हूँ. अब यहाँ पे डेसिमल आएगा, अब कितना हुआ, 2392.5, ये आपका इतना आ गया. ओके, ये प्रॉफिट इतने रुपए से आ गया. अब आपको तो प्रॉफिट नहीं निकालना था, क्या निकालना था आपको, एसपी निकालना था, सेलिंग प्राइस निकालना था. ओके, तो सेलिंग प्राइस मैं यहाँ पे एक बार शो कर रही हूँ,
अब एसपी जब निकालेंगे यू नो द प्रॉफिट का फॉर्मूला बताए ना, दैट इज प्रॉफिट क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी। ओके आपके पास प्रॉफिट तो आ गया, तो आप प्रॉफिट की वैल्यू कर दीजिए 2392.5। ओके तो ये कितना 2392.5 और एसपी नहीं पता आपको और सेलिंग प्राइस आपको पता है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना था, दैट विल बी 15,950। ओके बस आप इसको एज इट इज यहाँ पे रहने दीजिए। अब ये कितना हुआ 2392.5 और ये जो माइनस का साइन है तो इधर आएगा तो ये प्लस में बन जाएगा 15,950। आपको क्या निकालना है इसका, सेलिंग प्राइस निकालना है। ओके तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 15,000, अब ये देखिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा 15,950। ओके तो यहाँ पे कितना है 2392, यहाँ पे कितना आएगा 2392। ओके यहाँ पे मैं डेसिमल के बाद जीरो लगा लेती हूँ, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद क्या आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है डेसिमल वाले इक्वेशंस को ऐसे ही ऐड करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आता है, तो यहाँ पे मैंने इसमें लिख दिया 15,950 डेसिमल जीरो और यहाँ पे क्या लिख दिया 2392, दैट इज 2392 और डेसिमल के बाद 5 लगा दिया। अब इसको ऐड करिए 5 पार्ट यहाँ पे जीरो तो ये 13 आएगा, नहीं ये 14 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा। ओके यहाँ पे 14 आएगा और ये कितना हुआ 12+1 दैट इज 13 और ये कितना हुआ 5+2 7, 7+1 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके तो ये कितना हुआ 18,342.5 रुपीज। ओके तो ये क्या हो गया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ओके तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूंगी, तो आप अच्छी तरह अपनी फेयर कॉपीज में करेंगे। टिल देन थैंक यू।